कला केंद्र के ऑनलाइन लर्निंग चिल्ड्रन समर फेस्टिवल में विजुअल आर्ट सेशन के तहत कला प्रेमियों ने दिल्ली के कलाकार तीर्थाकर विश्वास से ऑयल पेस्टल वर्क ऑनलाइन पेपर की कला सीखी। सेशन में ऑयल पेस्टल से चित्र बनाने की स्टेप बाय स्टेप तकनीक सिखाई गई। इसके बाद विजुअल आर्ट्स ऑनलाइन लर्निंग सेशन के तहत भीलवाड़ा निवासी विद्या देवी सोनी ने मंडाना आर्ट सेशन का संचालन किया। इस सेशन में विभिन्न डिजाइन्स बनाने एवं इस कला के लिए आवश्यक उपयोगी सामग्री के बारे में भी सिखाया गया। ऑयल पेस्टल वर्क ऑनलाइन पेपर सेशन में कलाकार तीर्थाकर विश्वास ने प्रतिभागियों को विभिन्न पेस्टल एप्लीकेशन तकनीक टोन कलर ड्राइंग के सहित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझाया। कलाकार ने पेस्टल पेपर पर पेस्टल के गहरे शेड से ड्राइंग बनाना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि पेस्टल पेपर पर अन्य पेपर के मुकाबले ऑयल पेस्टल शेड्स अच्छे ठहरते हैं। पेस्टल दोनों हार्ड और सॉफ्ट फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। हार्ड पेस्टल्स को चाक भी कहा जाता है। आर्टवर्क के पूरा होने पर फिक्सेटिव की आवश्यकता होती है या रिफ्लेक्टिव रंगों के प्रभाव को कम कर देता है। अधिकांश कलाकार वर्तमान में ऑयल पेस्टल का उपयोग करना पसंद करते हैं जिसमें वैक्स होता है और वांछित रंग बनाने के लिए इनकी आसानी से लेयरिंग और ब्लेंडिंग की जा सकती है। कलाकार ने आगे बताया कि पोर्ट्रेट में कई रंग हो सकते हैं, जैसे बालों में काले नीले और सफ़ेद रंग होते हैं। इसी प्रकार आईब्रो को वास्तविक रूप देने के लिए हरे रंग का उपयोग किया जा सकता है और स्किन के लिए लाल रंग का टच देना होता है। पेंटिंग में शेड्स को स्मूथ दिखाने के लिए कपड़े या उंगलियों का उपयोग कर रंगों की ब्लेंडिंग की जाती है। कलाकार ने सुझाया कि चश्मा ज्वेलरी और मफलर जैसी एक्सेसरीज को करेक्टर तैयार होने के बाद बनाना चाहिए और नए कलाकार को चाहिए कि वो अभ्यास के लिए अपने परिवार के सदस्यों का स्केच बनाए। विजुअल आर्ट सेशन के तहत मंगलवार के दूसरे सेशन में कलाकार विद्या देवी सोनी मंडाना आर्ट्स की बारीकियां सिखाई। कलाकार ने आरंभ में मंडाना कला की पारंपरिक प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि दीवार अथवा जमीन पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है जिसमें गाय का गोबर और पानी भी मिला होता है। इसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सूखने के बाद चौक और पानी के मिश्रण से इस पर डिजाइन बनाई जाती है। मंडाना आर्ट को दीवार दरवाजे पूजा के स्थान आदि जगहों पर बनाया जा सकता है। इन्हें गणगौर दिवाली होली दुर्गा अष्टमी जैसे त्योहारों के दौरान भी बनाया जाता है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में मंडाना के अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं। किसी भी शुभ अवसर जैसे पूजा जन्म या विवाह समारोह में भी मंडाना बनाया जाता है। सेशन के दौरान कलाकार ने मेवाड़ मंडाना बनाना सिखाया जिसे खासकर पूजा के स्थान पर बनाया जाता है। उन्होंने एक मार्कर का उपयोग करके रूपरेखा तैयार की और एक पतले ब्रश और खड़िया से डिजाइन तैयार की। इसके बाद उन्होंने मंडाना में विभिन्न डिजाइन भरने शुरू किए जैसे चेक लाइंस फूल आदि। कलाकार ने बताया कि मंडाना आर्ट का आमतौर पर आकार होता है। इस और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इन डिजाइन को छोटे फूलों एवं सितारों से सजा सकते हैं।